क्लास में हम लोग बात करेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी पे। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं मॉक क्वेश्चंस क्या बनते हैं इस टॉपिक से रिगार्डिंग असिस्टेंट डायरेक्टर एग्जाम। तो पहला क्वेश्चन जो आपको इस टॉपिक से प्रिपेयर करना है दैट इज व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस और जो दूसरा क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा व्हाट इज एमआरएस। एमआरएस क्या है? एमआरएस स्टैंड्स फॉर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, आप लोगों ने नोट किया ये दोनों टॉपिक्स? ये क्वेश्चन है जो आपको प्रिपेयर करने हैं इस टॉपिक से। हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ा। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में मैंने आप लोगों को क्या बताया, जब हम कार्डिनल यूटिलिटी की बात करते हैं हम किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव टर्म्स की। हम बात करते हैं नंबर्स की। ठीक है, जैसे हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर आप एक कप आइसक्रीम का कंज्यूम कर रहे हो तो उस समय आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है या कितनी यूटिलिटी मिल रही है। तो हमने क्या बोला, वन कप जब आपने क्या कंज्यूम किया, आइसक्रीम कंज्यूम की, उस वन कप आइसक्रीम से लेट से आपको मिल गई 17 यूटिल्स की यूटिलिटी। ठीक है, और लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि डे टू डे लाइफ में आप लोग मुझे बताइए, आज आपने एक कप आइसक्रीम का खाया तो उस एक कप आइसक्रीम को खाने से आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिली और यूटिलिटी मिली, क्या आप मुझे नंबर बता सकते हैं? तो आंसर इज नो, आप मुझे नंबर नहीं बता सकते। तो हम किस तरीके से बताएंगे कि किस चीज से हमें कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है और किस चीज से नहीं मिल रही है। जैसे इस चीज को इस तरीके से भी समझा जा सकता है, आप मार्केट में गए, जब आप मार्केट में गए आपने बोला कि मुझे क्या करना है, मुझे पाव भाजी खानी है रादर देन डोसा खाना है, तो आपने बताया कि मेरे को क्या, मैं आई प्रेफर पाव भाजी रादर देन डोसा, मुझे पाव भाजी ज्यादा पसंद है। आपने कुछ तो कैलकुलेशन की दिमाग में। तो हम लोग इसी चीज की बात करेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस पे। यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रैंक करते हैं, हमारी प्रेफरेंसेस को बताते हैं। जैसे अगर आप लोगों को आइसक्रीम और चॉकलेट में से प्रेफरेंस दी जाएगी कि आपको क्या करना है, इन दोनों में से एक चीज आप लोग क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं, तो कुछ लोग बोलेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आइसक्रीम प्रेफर करते हैं, और कुछ लोगों ने बोला हमने क्या किया, हमने चॉकलेट को प्रेफर किया एज कंपेयर टू आइसक्रीम। तो आपने ये क्या किया, आपने अपनी प्रेफरेंस बताई। ये जो प्रेफरेंस है या ऑर्डर है या रैंक है, इसी अप्रोच को हम लोग क्या कहते हैं, दिस अप्रोच इज नोन एज ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। हम लोग ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम नंबर्स का यूज तो नहीं करेंगे, वी आर नॉट यूजिंग द नंबर्स। ठीक है, हम नहीं बताएंगे कि हमें इससे एक्चुअल कितनी यूटिलिटी मिली, लेकिन हम ये जरूर बता सकते हैं कि हमें आइसक्रीम से ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी या किससे, चॉकलेट से। अगर मैं फर्स्ट चॉइस को मार्क करूंगी तो डेफिनेटली मुझे आइसक्रीम से ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी एज कंपेयर टू चॉकलेट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस इज आइसक्रीम। इसका मतलब आप लोगों ने बोला आइसक्रीम खाने से मुझे ज्यादा मजा आता है, जब हमने बोला आइसक्रीम खाने से हमें ज्यादा मजा आता है, इसका मतलब सेटिस्फेक्शन ज्यादा है, यूटिलिटी ज्यादा है। तो यही कॉन्सेप्ट है हमारा इंडिफरेंस कर्व का। क्लियर? तो अब हम इंडिफरेंस कर्व का एक टेबल ड्रॉ करेंगे। आपके पास हमने यहाँ पे दो ऑप्शंस दे दिए,
कि आप क्या कर सकते हो, कुछ प्रोडक्ट्स चॉकलेट से यूज कर सकते हो और कुछ यूनिट्स क्या कर सकते हो, आइसक्रीम के कंज्यूम कर सकते हो। इसका मतलब आपके पास कितने कितनी आइटम्स होगी, दो आइटम्स। आइटम्स को हम इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं, गुड्स। तो यहाँ पे हम लोगों के पास दो गुड्स हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा कॉम्बिनेशन और यूनिट्स ऑफ गुड ए, और यहाँ पे हमने लिखा यूनिट्स ऑफ गुड बी। तो लेट से हमने बोला फर्स्ट कॉम्बिनेशन, फर्स्ट कॉम्बिनेशन में आप क्या कर रहे हैं, आपने बोला हम ज्यादा आइसक्रीम खाएंगे, ठीक है। आपने बोला हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, एक यूनिट आइसक्रीम का कंज्यूम करते हैं, और यहाँ पे हमने बोला लेट से हम 15 यूनिट्स ऑफ गुड बी कंज्यूम करते हैं, ठीक है। मैं आपको टेबल बताऊंगी कि किस तरीके से बनाना है। सेकेंड कॉम्बिनेशन ऐसा था जहां पे हमने बोला कि हम क्या करते हैं, हम गुड ए का एक यूनिट बढ़ा देते हैं और गुड बी का एक यूनिट क्या कर देते हैं, ये कुछ यूनिट गुड बी के क्या कर देते हैं, कम। यहाँ पे सेकेंड कॉम्बिनेशन हमारा क्या आया, टू यूनिट्स ऑफ गुड ए, और यहाँ पे लेट से 12 यूनिट्स हमने कर लिए गुड बी के। लाइक वाइज हमने एक और कॉम्बिनेशन बनाया जहां पे हमने बोला गुड ए का एक यूनिट हम बढ़ा देते हैं और हम क्या करेंगे, गुड बी के कुछ यूनिट्स कम कर देते हैं। लेट से हम 10 यूनिट्स ऑफ गुड बी कंज्यूम कर रहे हैं अलोंग विद 3 यूनिट्स ऑफ गुड ए। तो यहाँ पे चाहे हम, ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझना, तो आपके पास तीन चॉइसेस हैं, चाहे आप क्या कर रहे हैं, 1 यूनिट ऑफ एक्स कंज्यूम कर रहे हैं अलोंग विद 15 यूनिट्स ऑफ गुड बी, ठीक है, 1 यूनिट ऑफ गुड ए प्लस 15 यूनिट्स ऑफ गुड बी, और आपके पास सेकंड चॉइस क्या है, कॉम्बिनेशन बी, जहां पे आप क्या कर रहे हैं, 2 यूनिट्स ऑफ गुड ए कंज्यूम कर रहे हैं अलोंग विद 12 यूनिट्स ऑफ गुड बी, और थर्ड चॉइस हमारे पास क्या है, जहां पे हम 3 यूनिट्स ऑफ गुड ए यूज कर रहे हैं अलोंग विद 10 यूनिट्स ऑफ गुड बी। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे हमने क्या किया, हमने चॉइसेस कैसे बनाई, यहां से हम यहाँ पे ए के गुड को ऐड कर रहे हैं और बी के गुड को डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमें ए का गुड की कंजप्शन को बढ़ाना है तो हमने कहीं ना कहीं क्या किया, बी की कंजप्शन को कम की। जैसे आप लोगों ने क्या करना है, आपने पिकनिक के लिए जाना है, आपके पास 100 रुपए हैं, तो आप क्या कर सकते हो, 100 रुपए में से एक चॉइस आपके पास है 10 यूनिट्स आप क्या कर सकते हो, चॉकलेट के परचेज कर सकते हो। अब आप लोग दूसरी चॉइस, आपका मन क्या कर रहा है, हम क्या करते हैं, 5 चॉकलेट परचेज कर लेते हैं और 5 चिप्स परचेज कर लेते हैं। या तीसरी चॉइस आपके पास एक और है, आप क्या करते हो, 6 चॉकलेट परचेज कर लेते हो और 4 चिप्स परचेज कर सकते हो। जब आप ये तीनों कर रहे हो, जब आप क्या हो, अगर आप इन तीनों चॉइसेस के बीच में क्या हो, कंफ्यूज हो गए, जब आप कंफ्यूज हुए इसका मतलब आप रैंक नहीं कर पा रहे कि मुझे ये लेना चाहिए या ये लेना चाहिए। जब रैंक नहीं कर पा रहे इसका मतलब इन तीनों से आपको सेटिस्फेक्शन क्या मिलेगी, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जब हम बोलेंगे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो क्या हम ये नहीं बोल सकते सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी मिलेगी, ठीक है। तो इसी तीन कॉम्बिनेशंस को आप यहां पे समझिए, यहां पे भी हमने क्या किया, हमें तीन कॉम्बिनेशंस दिए ए बी सी, चाहे कंज्यूमर के पास कॉम्बिनेशन ए आए, चाहे कंज्यूमर के पास कॉम्बिनेशन बी आए या सी आए, उन तीनों के टाइम जो कंज्यूमर है वो क्या है, उसके पास वो क्या है, वो पूरा इंडिफरेंट है, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो ए कॉम्बिनेशन को कंज्यूम करे, चाहे वो बी कॉम्बिनेशन को कंज्यूम करे, चाहे सी कॉम्बिनेशन को कंज्यूम करे। मतलब हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे ए बी सी तीनों कॉम्बिनेशन क्या करेंगे, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेंगे टू द कंज्यूमर, क्लियर। आप टेबल बनाए, अब डायग्राम बनाते हैं। देखिए अब यहाँ पे अगर मैं इसी को एक डायग्राम में बनाऊं तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स एक्सिस पे हमारा एक गुड आएगा, नॉर्मली हम इसको क्या लिखते हैं, गुड एक्स, और वाई एक्सिस पे वी हैव गुड वाई,
ठीक है, अगर आप कोई एग्जाम्पल से समझा रहे हैं आइसक्रीम चॉकलेट, तो एक एक्सिस पे आप आइसक्रीम ले सकते हैं, एक एक्सिस पे क्या ले सकते हैं, चॉकलेट ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या लिया था, गुड ए और गुड बी, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं यहाँ पे गुड ए और गुड बी लिखूंगी। क्लियर? तो हमारे पास क्या चॉइसेस हैं, 1A + 15B, ठीक है, सेकेंड चॉइस 2A, सेकेंड चॉइस हमारे पास क्या है, 2A 12B, मतलब 2 कहां पे है, यहां, और 12B कहीं यहां पे पॉइंट आएगा। और थर्ड चॉइस हमारे पास क्या है, 3A + 10B, 3A + 10B, अगर मैं इनको ज्वाइन करूं तो मेरी कर्व कैसी आएगी, दिस वन इज माय कर्व, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इंडिफरेंस कर्व। क्या कहोगे आप इसको, आईसी कर्व और इंडिफरेंस कर्व। सो प्लीज रीड इट, आप लोगों को समझ सकते हो आप इस चीज को, आप डेफिनेशन पढ़िए। आईसी कर्व रिप्रेजेंट्स द ऑल दोज कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स व्हिच गिव सेम सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर, क्योंकि मैंने आप लोगों को क्या बोला, कंज्यूमर चाहे फर्स्ट चॉइस के साथ जाए, चाहे सेकंड चॉइस के साथ, चाहे थर्ड चॉइस के साथ, उसको सेटिस्फेक्शन क्या मिलने वाला है, सेम मिलने वाला है। क्लियर यहां तक? और देखिए अभी हम यहां तक इंडिफरेंस कर्व हमने देखा, हमने टेबल देखा, ठीक है, तो अभी आप क्या करेंगे, डायग्राम, रिटर्न पार्ट में इतना ही है, डायग्राम आपने खुद बनानी है, टेबल आपने खुद बनाना है, तो इस चीज के आपको नोट्स खुद बनाने हैं, ठीक है, इस पार्ट के नोट्स आप लोगों को खुद बनाने हैं। जब तक आप डायग्राम्स की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप लोगों के लिए मुश्किल है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसके नोट्स और डायग्राम खुद बनाएं। यहां तक क्लियर हुआ, अब एग्जाम्पशंस की तरफ मूव करें। यहां पे देखिए हम एग्जाम्पशंस को यहां से समझेंगे डायग्राम से, ठीक है, यहां पे हमारे पास ये क्या हो गई, इंडिफरेंस कर्व। अब इंडिफरेंस कर्व आप लोग मुझे बताइए ये किस तरीके से स्लोप कर रही है, डाउनवर्ड और अपवर्ड, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो फर्स्ट एग्जाम्पशन हमारे पास क्या आ गई, इंडिफरेंस कर्व क्या है, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। और अगर आप यहां पे ध्यान से देखिए हमारे पास 1 के साथ क्या था, 15, 2 के साथ हमारे पास क्या था, लेट्स से शायद 12 था, आप लोग चेक कर लेना, 3 के साथ हमारे पास क्या था, 10। हम अगर आप लोग इसको ध्यान से देखें तो यहां पे अगर हम एक कॉमोडिटी का, ठीक है, गुड ए का अमाउंट बढ़ा रहे हैं 1 से 2, 2 से 3, तो कहीं ना कहीं हम गुड बी का क्या कर रहे हैं, डिक्लाइन कर रहे हैं। ये रीजन भी बनता है कि वाई आपकी इंडिफरेंस कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग का रीजन मैं आप लोगों को लिखवा दूंगी लास्ट में, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, हम लोग इसको क्या कहते हैं, इट इज नोन एज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। जो कर्व्स आपको इस तरीके से मिलेगी हम उसको क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। आप इसको किसे कैसे समझ सकते हैं, कोली है, ठीक है, कोली का मुंह ऊपर की तरफ है, दिस इज द बोल, बोल का मुंह खुला हुआ है ऊपर की तरफ। जो कर्व्स इस तरीके की होती हैं आप उसको क्या बोल सकते हैं, दीज कर्व्स आर नोन एज कन्वेक्स टू द ओरिजिन, ठीक है। मैथमेटिक्स में अलग तरीके से समझाया जाता है बट आप लोगों के लिए समझने के लिए इनफ है कि जिन कर्व्स का मुंह ऊपर की तरफ खुला हुआ है दोस कर्व्स आर नोन एज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। और अगर मेरी कर्व इस तरीके से होती तो मैं क्या बोलती, हमारी कर्व क्या है, हमारी कर्व होती कनकेव और ये क्या हो गई, कन्वेक्स, ठीक है। तो दूसरा इंडिफरेंस कर्व में क्या आएगा, इट इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। क्लियर? आप देखिए यहां पे एक और पॉइंट, ये तो मेरे पास एक इंडिफरेंस कर्व है, अगर मेरे पास एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व हो
लेट से IC2, तो IC2 पे ये पॉइंट ले लीजिए इसके बिल्कुल पैरेसिमिलर। फर्स्ट कर्व में आप लोग कितना कंज्यूम कर रहे थे इस पॉइंट के ऊपर? इस पॉइंट के ऊपर आप लोग कंज्यूम कर रहे थे 15A + 1A। लेकिन जब हम यहां से F पॉइंट से G पॉइंट पे मूव किए, जब हम सेकेंड इंडिफरेंस कर्व पे हैं, अगर आप लोग ध्यान देंगे G पॉइंट पे हमारे पास क्या है, स्टिल वी आर कंज्यूमिंग 15B। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम गुड ए का कितना कंज्यूम कर रहे हैं, 1.8। लेट से हम अब गुड ए का कितना कंजप्शन कर रहे हैं, 1.8। तो यहां पे जब आप IC2 पे हो तो जी पॉइंट आपको क्या दिखा रहा है, गुड बी की तो कंजप्शन उतनी ही है जितनी गुड पॉइंट एफ पे है। लेकिन जब हम गुड ए की बात कर रहे हैं तो हमारी कंजप्शन क्या हो रही है, हमारी कंजप्शन इज इंक्रीजिंग। तो ज्यादा आपको कंजप्शन मिलेगा तो इसका मतलब आप ज्यादा क्या होंगे, सेटिस्फाई होंगे, ज्यादा आपको क्या मिलेगी, यूटिलिटी मिलेगी। तो हम लोग क्या बोलेंगे थर्ड पॉइंट पे, हायर इंडिफरेंस कर्व शोज मोर सेटिस्फेक्शन क्लियर। अब हमारे पास सिर्फ एक एग्जांपल बची है, वो डिस्कस करेंगे। ये वाला जो पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, इसको प्लीज ध्यान से देखना। यहां पे ये एग्जांपल अलग से भी पूछी जा सकती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये मतलब जैसे आपको क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है, नंबर वन व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व, एक क्वेश्चन ये आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपको किस तरीके से आ सकता है कि आप लोग उनको बताना पड़ेगा कि नो टू इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर। तो यहां पे फोर्थ अजम्पशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो टू इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो इसकी जो फोर्थ पॉइंट की डायग्राम है ये ध्यान से समझना, क्योंकि जब आप एग्जाम में भी अटेम्प्ट करेंगे डायग्राम इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को बार बार बोला है डायग्राम और टेबल पे ही आप लोगों को क्वेश्चंस लिखने हैं मोस्टली माइक्रो इकोनॉमिक्स के। तो यहां पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास क्या है, गुड ए, वाई एक्सिस पे वी हैव गुड बी, एक कर्व हमारे पास ये है दैट इज IC1 और एक कर्व हमारे पास ये है IC2। यहां पे हम कोई तीन पॉइंट्स लेंगे, हम बोलेंगे दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। ठीक है, ये तीन पॉइंट्स है हमारे इंडिफरेंस कर्व 1 और 2 पे। अब हम कंपेयर करेंगे पहले ए और बी को, देन ए और सी को। अब जब आप ए और बी की बात करेंगे तो आप लोग क्या बोलेंगे कि हम लोग लेट से हम लोग इस पे है IC2 पे, क्योंकि अगर आप IC2 को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो IC2 ठीक है, मैंने डिलीट कर दी 2 मिनट के लिए IC1। क्या ये IC2 के ऊपर ए पॉइंट आ रहा है, बी पॉइंट आ रहा है? तो हमने क्या बोला, जब हम IC2 पॉइंट पे टू कर्व के ऊपर हैं तो हमारे पास ए और बी दो पॉइंट्स हैं। इसका मतलब ए और बी के ऊपर क्या है, वी हैव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। क्या है आपके पास, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, IC1 वापिस ड्रॉ करते हैं। अब मैं IC2 को थोड़ी देर के लिए डिलीट करूंगी। आप लोग मुझे बताइए ए और सी पॉइंट IC1 के ऊपर है, ये बोलना गलत तो नहीं होगा? उसी तरीके से IC1 के ऊपर हमने क्या देखा, ए और सी पॉइंट है। इसका मतलब ए और सी पॉइंट के ऊपर क्या होगा, अगेन सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा या नहीं होगा? होगा सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अगर ए और बी में हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है,
ए और सी पे हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो क्या हम ये नहीं बोल सकते कि हमें बी और सी पे भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? मतलब बी और सी पे भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा, बट प्रॉब्लम ये नहीं है कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, प्रॉब्लम ये है कि बी किस कर्व में आ रहा है, बी आ रहा है आईसी टू पे और सी कहां पे आ रहा है आईसी वन पे। बट बी अगर आईसी टू पे आ रहा है तो हमारी थर्ड अजम्पशन ने क्या बोला, हायर इंडिफरेंस कर्व शोज मोर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, यही बोला। तो इसका मतलब बी पॉइंट पे हमें क्या दिखना चाहिए था, हायर सेटिस्फेक्शन, और सी पॉइंट पे हमें क्या दिखना चाहिए था, लोअर सेटिस्फेक्शन। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे एक जगह हमें हायर सेटिस्फेक्शन दिख रहा है और एक जगह हमें क्या देखने को मिल रहा है, लोअर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, बी और सी आप लोगों को क्लियर हुआ, लेकिन यहां पे हमने बोल दिया कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एट बी एंड सी, तो इसका मतलब जब दो इंडिफरेंस कर्व ने इंटरसेक्ट किया तो रिजल्ट्स क्या थे, रिजल्ट्स आर कॉन्ट्राडिक्ट्री, रिजल्ट्स क्या थे, कॉन्ट्राडिक्ट्री। क्लियर हुआ यहां तक? तो मैं आपको वापस बोल रही हूं, फोर्थ अजम्पशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये भी आप लोगों को प्रिपेयर करनी है। जहां पे आप लोगों ने स्टार्टिंग में मॉक आंसर्स लिखे हैं कि क्या क्या चीजें हमें देखनी है, तो उसमें ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्थ वन। ठीक है, वहां पे ऐड कर लेना, नो टू आईसी कर्व्स इंटरसेक्ट ईच अदर। क्लियर? अब हमारा यहां पे एक ही कॉन्सेप्ट बच गया, दैट इज एमआरएस और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसको हम वापिस से टेबल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। यहां पे हम लिखेंगे कॉम्बिनेशंस, और जैसे मैंने गुड ए और गुड बी लिया था उसकी जगह अब मैं लिखूंगी गुड एक्स और गुड वाई। देखिए, आप गुड ए और गुड बी भी लिख सकते हैं। मैं आप टर्मिनोलॉजी को क्यों यूज करूंगी, गुड ए की जगह गुड एक्स और गुड बी की जगह गुड वाई, उसके पीछे का रीजन है, जब आप लोग बुक्स देखेंगे वहां पे जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला है, दैट इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अगर मैं इसकी जगह गुड ए और गुड बी लिखूं तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा ए। तो यहां पे आप लोगों में से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कंफ्यूज हो जाएंगे, दैट्स वाई आई एम यूजिंग गुड वाई और गुड एक्स। हमने बोला फर्स्ट कॉम्बिनेशन हमारा था जहां पे हम क्या कर रहे थे, वन यूनिट ऑफ गुड एक्स को कंज्यूम कर रहे थे और गुड वाई के कितना कंज्यूम कर रहे थे, 15। लेकिन कंज्यूमर चाहता है कि मैं सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन में रहूं, लेकिन मेरे को क्या करना है, गुड एक्स की कंजप्शन को बढ़ाना है एक यूनिट से। जब उसने एक यूनिट से बढ़ाया, गुड एक्स की कंजप्शन कितनी होगी, 1 से 2 हो गई, और गुड वाई की कंजप्शन को उसने क्या करेगा, करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। क्यों कम करना पड़ेगा, बिकॉज अगर वो गुड वाई की कंजप्शन को उतना ही रखता तो वो कहां पे पहुंच जाता, वो हायर इंडिफरेंस कर्व में पहुंच जाता। तो इसका मतलब सेटिस्फेक्शन का लेवल क्या हो जाता, चेंज हो जाता, वो बराबर नहीं रहता। दैट्स वाई उसको क्या करना पड़ेगा, गुड वाई की कंजप्शन को कम करना पड़ेगा एज कंपेयर टू द प्रीवियस कंजप्शन। फिर से कंज्यूमर को लग रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, गुड एक्स की कंजप्शन को बढ़ाना चाहिए, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो अभी भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन में रहे। तो वो क्या करेगा, गुड एक्स की 3 यूनिट्स कंजप्शन कर देगा और गुड वाई की कंजप्शन क्या करेगा, लेट से 10 यूनिट्स, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू स्टे एट द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। क्लियर? तो यहां पे हमारा कॉन्सेप्ट आता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का। यहां पे क्या है, यहां पे हम लोग बेसिकली देख रहे हैं कि अगर यहां पे गुड एक्स का एक यूनिट हम बढ़ा रहे हैं तो हम कितना गुड वाई का क्या करेंगे, यूनिट्स को कम करेंगे।
तो कितना कम हुआ -2, ठीक है 10 2 कितना कम हुआ 2 यूनिट्स कम हो गए। तो यहाँ पे अगर हमें इसका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन देखना पड़ेगा तो हम क्या बोलेंगे इट इज 2 2। हमने कैसे कैलकुलेट किया डेल्टा वाई इज इक्वल टू 15 माइनस 13 दैट इज 2 और डेल्टा एक्स हमारा क्या आएगा 2 माइनस 1 1। यहाँ पे साइंस को प्लीज ध्यान में मत रखना कि नेगेटिव पॉजिटिव मत करना। तो यहाँ पे हमारा डेल्टा वाई क्या आ गया 2/1 दिस इज इक्वल टू 2। क्लियर। लाइकवाइज अगर हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन तो ये हमारा कितना आएगा 13 माइनस 10 3/1 तो 3। तो यहाँ पे हमने क्या बोला मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है कि अगर हमें गुड एक्स के को 1 यूनिट से बढ़ाना पड़ेगा तो हमें वाई को कितने यूनिट से कम करना पड़ेगा। तो इसकी डेफिनेशन लिखिए फिर हम क्लास खत्म करेंगे यहाँ पे। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज द अमाउंट ऑफ गुड वाई हूज लॉस कैन जस्ट कंपनसेट द कंज्यूमर फॉर 1 यूनिट गेन इन गुड एक्स। मैथमेटिकली इट इज रिप्रेजेंटेड एज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है आप लोग लिख सकते हैं। एनी कंफ्यूजन हियर? तो अब यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं आज की क्लास। आई होप आज की क्लास आपको वैल्यूएबल लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।